हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों ने सवाल किया था मुझसे कि अगर ट्रेन सामने की ओर मूव कर रही है तो ऐसे में कौन सा पेंटोग्राफ यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ जब लोकोमोटिव कोचेस से अटैच हो रहा होता है उस समय कौन सा पेंटोग्राफ यूज़ होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब लोकोमोटिव ट्रेन से कनेक्ट हो रहा होता है तो कौन सा पेंटोग्राफ यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कि हमारे सामने वृंदावन एक्सप्रेस खड़ी हुई है जो कि बैंगलोर से चेन्नई के बीच में चलती है। सामने से आता हुआ WAP-4 लोकोमोटिव ट्रेन में कनेक्ट किया जाएगा। WAP-4 जब कनेक्ट होने आ रहा है तो इस समय लोकोमोटिव का मूविंग डायरेक्शन ट्रेन की तरफ है, इसलिए पीछे वाला पेंटोग्राफ यूज़ किया जा रहा है। जैसे ही लोकोमोटिव ट्रेन में अटैच कर दिया जाता है, पेंटोग्राफ को डाउन कर लिया जाता है, और जब हमारी ट्रेन चलने के लिए तैयार होती है उससे कुछ समय पहले लोकोमोटिव को चेक किया जाता है, और ऐसे में पीछे वाले पेंटोग्राफ को जो कि ट्रेन के मूविंग डायरेक्शन में है उसको अप कर लिया जाता है ताकि वो आगे की पूरी जर्नी इसमें कंटिन्यू कर सके। ऐसा केवल WAP-4 लोकोमोटिव में ही नहीं, बाकी सारे लोकोमोटिव में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अगर आप रेल फैन हैं तो आपके लिए मैंने 2 T-shirts लॉन्च की हैं जिनको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लिंक में क्लिक करिए, अपना साइज सेलेक्ट कीजिए, टी शर्ट को ऐड टू कार्ट कीजिए और चेकआउट कर लीजिए। मेरे नाम का कोड लगाने से आपको 50 rupees का डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी भी ट्रेन में ज़्यादातर पीछे वाले पेंटोग्राफ को ही क्यों यूज़ किया जाता है इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में और ऊपर आए हुए आई बटन में उसका लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप डिटेल में जान सकते हैं कि क्यों पीछे वाले पेंटोग्राफ को ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों, हम ऐसे ही फिर मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद।